नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव की खास पेशकश। खबरें शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। नागपुर में एकतरफा प्यार में युवती पर जानलेवा हमला, सुशांत केस में बड़ा खुलासा, आग पर मुक्के मारे गए थे, हड्डियां भी टूटी थी। केसरी लाल यादव को देख उमड़ा जन सैलाब। अब खबरें विस्तार से। एकतरफा प्यार में युवती पर जानलेवा हमला। कुई तालुका के राजूला में एकतरफा प्यार में युवती पर जानलेवा हमला कर दिया है। अंकिता उमरा वैद्य, उम्र 22 वर्ष, राजूला, गंभीर रूप से घायल है। नितेश राउत ने डोडमा कुही और सूर्य जौजल 25 रेस, हमलावर का नाम कलम ना है। बच्ची का इलाज नागपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की दोपहर 2 बजे करीब दो युवक राजूला आए, वे अंकिता के घर में प्रवेश करते हैं। माता पिता के खेत में जाने के कारण अंकिता घर पर अकेली थी। हितेश ने गले और पेट पे ऊपर चाकू से वार कर दिया। अंकिता के चिल्लाने पर ग्रामीण वहां पहुंचे, खून से लथपथ घायल अवस्था में अंकिता रो रही थी। लोगों को देखते ही हमलावर बाइक पर सवार होकर फरार हो गया। अंकिता कुछ महीनों से भंडारा जिले के लखानी स्थित एक निजी नर्सिंग संस्थान में मेडिसिन की पढ़ाई कर रही थी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह जल्द ही नागपुर के लता मंगेशकर कॉलेज में प्रशिक्षण के लिए जाएंगी। अंकिता रविवार को किसी काम से घर रजोला आई थी। हितेश पिछले कुछ दिनों से अंकिता को फॉलो कर रहा था, समझ रहा था कि उसका अंकिता से एकतरफा प्यार है। बताया जा रहा है कि यह घटना एकतरफा प्यार के कारण हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर वेल्टूर पुलिस राजूला पहुंची। ज्ञात हुआ कि भगोड़े हमलावरों को किसी पुलिस ने रात में ही गिरफ्तार कर लिया था। सुशांत केस में बड़ा खुलासा, आग व मुक्के मारे गए थे, हड्डियां भी टूटी थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन साफ नहीं हो पा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसी हुई। यह सवाल बार बार सामने आते ही रहते हैं। उन्होंने बताया कि जब सुशांत की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया तो उनकी आंखें पर निशान थे, जिससे लग रहा था कि उनको किसी ने मुक्के मारे हैं। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र की पिछली सरकार यानी उद्धव पर सवाल उठाए थे। पोस्टमार्टम में कई हड्डियां भी टूटी थी। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया, उस टीम का हिस्सा था जिसने सुशांत की बॉडी को पोस्टमार्टम किया था और मैंने देखा था कि बहुत चोटें आई थी, उनकी कई हड्डियां भी टूटी थी। तब मैं मीडिया के सामने नहीं आ पाया क्योंकि मुझे उस समय उद्धव सरकार पर भरोसा नहीं था। अब सरकार बदल गई है, मैं सच बताना चाहती हूँ, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। केसरी लाल यादव को देख उमड़ा जन सैलाब, भीड़ देख उड़ेंगे होश। भोजपुरी सिनेमा में अपनी धाक जमाने वाले मशहूर अभिनेता और गायक केसरी लाल यादव आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। केसरी लाल यादव उनकी आवाम बेशुमार प्यार करती है। केसरी लाल यादव की फैन फॉलोइंग हमेशा से उनका सपोर्ट सिस्टम बन कर खड़ी है। केसरी लाल यादव को एक दफ़ा देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। एक ऐसा ही नज़ारा सोशल मीडिया पर बीते दिन देखने को मिला। दरअसल हाल ही में केसरी लाल यादव चुनाव प्रचार के लिए बेतिया पहुंचे थे। नगर निगम में मेयर प्रत्याशी सुरभि घई का चुनाव प्रचार करते हुए केसरी लाल यादव को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ मैदान में उतर आई। वायरल हो रही इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस तरह लोग सड़क पर उतर कर अपनी छतों पर चढ़कर केसरी लाल यादव की एक झलक पाने के लिए तरस रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाइकू और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।